यहाँ सपोर्ट करने आई थी, पर आप लोगों ने मुझे गेस्ट बना दिया और बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले यूथ IPFT को हम्बाई देती हूँ कि उन लोगों ने आप लोगों ने हमें प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। जैसे कि आप लोग tipraland के डिमांड कर रही है, हमारे भावी bodoland की डिमांड जोर जोर से चल रही है। हम लोग पिछले मई महीने में 4 दिन कंटिन्यूसली सेकेंड में से फिफ्थ में तक हम लोग नेशनल हाईवे ब्लॉकेट किया, और वहाँ आप लोगों की शुक्ला जी जो GS सर है वो भी गए थे, और हम लोगों को अच्छा लगा कि आप आज मैं यहाँ खुद आप लोगों के बीच आकर यहाँ बात कर रही हूँ, इसलिए हम भाई मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं यह बोलने के लिए नहीं आता, फिर भी मैं बोलूँगी कि अच्छा लगा कि हम ट्राइबल लोग जो है वो हम मतलब नोटिस में इंडिया में या वर्ल्ड में हम इसलिए फेमस है कि ट्राइबल लोग बहुत मतलब काइंड होते हैं, वो बहुत काइंड होते हैं। ट्राइबल लोग जीनियन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और जो समाज में इगलिथरियन सोसाइटी होती है जो जहाँ सुपरियर और इंफेरियर का कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो सिर्फ ट्राइबल लोगों में दिखाई देता है, और वो ट्राइबल हम हैं। सो हम ऐसे ट्राइबल हम प्राउड फील करते हैं, जैसे कि आप लोग हैं। अच्छा लगा आप लोगों की बीच यूनिटी है, और ये एक हम लोगों का मतलब एडवांटेज है। ये हम लोग को मतलब बोलना नहीं पड़ता है कि ट्राइबल लोग यूनाइट हो जाओ, tipraland के लिए आ जाओ, अपने हक के लिए आ जाओ, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें फाइट करना चाहिए, ये सब हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम ट्राइबल लोग हैं, जो आप लोग tipraland हैं और हम लोग बोरो लोग हैं, हम लोगों को ये सब बोलना नहीं पड़ता है, ये हम लोगों का एडवांटेज है। ये एडवांटेज हमें साथ में लेकर चलना है, हमें ऑनेस्ट है ट्राइबल लोगों को ऑनेस्ट और काइंड, ऐसा मतलब जो अच्छा अच्छा डिसएडवांटेज मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है लोगों से, वो हमें साथ में लेकर चलना है हमारी लड़ाई में, और साथ में हमें एजुकेशन डेवलप करना है। एजुकेशन से हमको क्या होगा, और हमको और नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, और हमारे राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, हम लोगों का क्या है, और गवर्नमेंट ने हमको कौन कौन सी साइड में डिप्राइव किया है, सब्जुगेट किया है, ये सब हमको पता चलेगा। लॉ के बारे में, आईन के बारे में, नियम के बारे में सब हमें पता चलेगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, तब हम ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से फाइट कर सकेंगे, और हम लोग को मतलब स्ट्रेटेजी मतलब हम अच्छे से बना पाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हमारा डिमेरिट से ये है कि हम पुरुष और महिलाएं मतलब जितना भी लिटरेसी रेट होता है सब मतलब जातियों में, ट्राइबल्स लोग में भी ये देखने को मिलता है कि मतलब लड़कियां थोड़ी कम होती है पढ़ाई में, लिटरेसी रेट कम होती है, तो हमें लड़का लड़की डिफरेंस दिखाई बिना हम लोग मतलब लड़का लड़की सबको मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हमें ऐसा भी होना चाहिए, हमारी हिस्ट्री में भी ये लिखा गया है कि कभी कभी ये हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है। आज हम इंग्लैंड कहेंगे तो हम सोचते हैं कि इंग्लैंड बहुत डेवलप हो चुका है, मगर उनके वहाँ भी इंग्लैंड में भी लंदन में भी कभी कभी ये हुआ था, कभी कभी तो नहीं मतलब 19th सेंचुरी में भी ये हुआ था कि वहाँ भी बहुत सुपरस्टिशियस बिलीफ था, मतलब वहाँ भी वुमेन्स लोगों को डिप्राइव करके रखा गया था, कुछ लोगों को में मतलब इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण कंफ्लिक्ट हुआ है, रिवोल्यूशन हुआ है, मतलब इसीलिए हमको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और हम एजुकेशन जब मिलेंगे तब हम भी मतलब उन लोगों की तरह डेवलप हो सकेंगे, इसलिए हम एजुकेशन को मतलब बहुत मतलब इनक्रेज करना चाहिए, लेना चाहिए, देना चाहिए, और लड़की जो महिलाएं हैं वो उनको उन लोगों को भी लेना चाहिए, क्योंकि कभी ये भी हो सकता है कि हमें लड़का लोग कभी मतलब थक गया हो, या कभी IPFT को मतलब सपोर्ट करना भी होगा, तो लड़कियां लोग भी मतलब आना होगा, महिला लोग भी, जैसे कि हम bodoland में भी ऐसा हुआ कि हमने ये किया है कि हम मैं bodo ऑल बोडो श्रेणी यूनियन से
मिलोंखती हो तो यहाँ ये हो रहा है कि हम लोग सेंट्रल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, आंचलिक कमेटी है, यूनिट कमेटी है, वो तो हम एफसू में मतलब हमारे कमेटी में लड़कियाँ बहुत हैं और इनके बिना मतलब हम लोग जितना भी मतलब प्रोग्राम करते हैं बुलाते हैं, अगर हम सेपरेट वुमेन के लिए मतलब प्रोग्राम बनाते हैं तब भी हमारे वहाँ मतलब 1 लाख महिला एकजुट होकर मतलब प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोग लास्ट ईयर भी किया था, हम लोग मास गैदरिंग किया, वुमेन्स क्राई प्रोग्राम किया, वहाँ हम धरना किया, सब वहाँ महिलाएं थे। और लास्ट ईयर हम अगस्त मास में ये भी किया कि हम नेशनल हाईवे ब्लॉकेट भी किया, वहाँ पूरा सारा मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही थी मतलब महिलाएं थी। और ऐसे कि आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है, सरकार जो होता है, महिलाओं को मतलब ऐसे देख के थोड़ा मतलब जल्दी रेस्पॉन्स दे जाता है। तो आप लोगों को भी, लड़कियों को, महिलाओं को भी मतलब आगे बढ़ना चाहिए। मैं बोडोलैंड की लड़की होकर आप लोगों को भी इंटरेस्ट जागरूक मतलब अवेयरनेस में देखना चाहती हूँ। हमारे वहाँ भी बहुत ज़रूरत है और आपकी यहाँ भी मतलब महिलाओं का बहुत ज़रूरत है। मतलब 50-50 हम बोलते हैं, मतलब प्लेनेट 50-50 मतलब यूएनए बोलते हैं कि 2050 का यूएन का गोल है, मतलब प्लेनेट मतलब हमारा जो संस्कार है वही मतलब आधा महिलाओं के लिए है और आधा पुरुषों के लिए है। तो हम सभी काम मतलब वही काम में भी हम मतलब इक्वल इक्वल करना होगा और एकजुट के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी जो भी डेमिरिट्स है, डिसएडवांटेज है, हमें वो हमें उसे हमें मतलब चैलेंज करने के लिए हमें एजुकेशन लाना होगा। ये मैं यही बोलती हूँ और मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगी बिकॉज मैं एज ए गेस्ट नहीं आई थी, मैं मतलब स्पीकर नहीं हूँ, बस मैं उनको सफर करने आया पर फिर बोलने का मौका मिला, इसीलिए आपको हम बाय देती हूँ। इसके बाद मैं भगवान से यही दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों की जो डिमांड है तिपराland की वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए और इश्यू सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। आप लोगों का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, आप लोग इसे मतलब बचाए रखें। मतलब जो हमारा आइडेंटिटी है वो हमारे कल्चर है, हमारे लैंग्वेज से ही है, तो आप लोग इसका ख्याल रखें। और मैं ये भी दुआ करूँगी कि आपका आप लोगों को हम फिर दोबारा जल्दी से मिल सकूं, यही मैं बोलूँगी। और आप सबकी मतलब शुभ जीवन के लिए भी प्रार्थना करके मैं अपना जो स्पीच है मैं यही खत्म करती हूँ। हम थैंक यू।